सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कल य र ल व श ये पांच अक्षर बनाए थे, आज हम पांच की बजाय छह बनाएंगे और आज हमारी हिंदी की राइटिंग के सारे अक्षर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज पेट कटा श, छोटा स, ह, अक्षे, त्र और ज्ञ ये हम आज सारे बनाएंगे और आज हमारी हिंदी की राइटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले बनाना है श, इसका पेट कटा हुआ होता है वो श हमने बनाना है। तो हमने यहाँ से जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जैसे हमने प बनाया था ऐसे ही पहले हमने श बनाना है। ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे, और इस तरह से ये हमने जो है यहाँ तक मिलाना है। अब इधर को हमारा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो ये आपकी सात की लाइन है यहाँ तक। इसको हम यहाँ से पूरा डार्क कर देंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे और ये जो आपका है ये एक यहाँ से आएगा, ये पूरा हम डार्क कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम दो स्टेप ऊपर, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से, और आपका ये तो आपका सिंपली सीधा यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ मिल जाएगा इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे। और अब आपने इसका पेट जो है वो काट देना है। पेट कटने के लिए आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से आप यहाँ मिला दो, इस पॉइंट से आप यहाँ मिला दो, इस तरह से इसको मिला देंगे और इसका इस तरह से पेट कट जाएगा तो ये आपका दूसरा शब्द बन जाएगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये शब्द आपका बन गया है। वो आपका है स, स हमने बनाना है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो यहाँ से पाँच, उससे आधा हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ऐसे आएगा, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से हम इसके दो स्टेप आगे ले लेंगे, एक खाली छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे दो स्टेप ऐसे ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर हम एक आगे ले लेंगे, यहाँ से हम सिंपली इस तरह से, सिंपल में सबसे आसान तरीके से जो आपका बन सकता है मैं वैसे ही आपको बना रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे राउंड में ले लेंगे ऊपर यहाँ से, और इसको हम लेके आएंगे आपका नीचे यहाँ तक, इसको हम नीचे लेके आएंगे इस लाइन तक यहाँ पे, यहाँ से इसको ऐसे लेके आएंगे, ये जो आपका है इसको हम ऊपर उठा सकते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर हम इसको ऐसे आधे तक नीचे ऐसे शेप दे सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से आपको यदि लगता है कि हमें सिंपली बनाना है, यहाँ से सीधा ले लो ऐसे और ऐसे सीधा बना दो, या फिर जैसे मैंने पहले ही बनाया था यहाँ से आप, यहाँ से भी आप शेप पीछे को दे सकते हैं आधे में ऐसे, ऐसे को आप शेप दे सकते हैं। फिर आपको ये जो है ये जो लाइन है आपकी यहाँ आधे तक अंदर ले जानी पड़ेगी, और फिर आपने अंदर से इस तरह से लाइन लगानी है, या आपकी जो ये लाइन आ रही है ये यहाँ तक है, यहीं से भी आप इसको सीधा ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से आपका ये स बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे बना सकते हैं, एक चेंज आप इसमें और कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो ये लाइन आ रही है यहाँ आ रही है, यहीं से इसको तिरछा ऐसे मिला दो ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह से, और यहाँ से इसको आप थोड़ा सा मिटा दो तो यहाँ से ये इस लाइन के साथ ही ऐसे ही थोड़ा सा, और इसमें तो बहुत सारे आप स्टाइल से बना सकते हैं, ये तो मैं आपको अभी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा चेंज करके इसी में थोड़ा हल्का हल्का सा मैं कर रहा हूँ इस तरह से। अब हमने बनाना है ह, जीरो, एक, दो, तीन, चार, मैं ये लाइनों पे लिखता हूँ जीरो एक दो, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो एक्चुअली ये छः आ गई, ठीक है, ये जीरो एक दो, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, तो मैं लाइन पे साथ लिखता हूँ, अगर खाने में लिखना है तो इस तरह आएगा, ये आएगी आपके यहाँ पे, इस तरह से आप इसको मिला दो यहाँ पे, पाँच के पाँच तक आपने मिलानी है, ये यहाँ इस तरह से आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ से,
यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब आपने यहाँ सिर्फ एक स्टेप इसको आगे बढ़ाना है, इस तरह से, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो दो स्टेप आ जाएगा फिर आगे यहाँ से। अब यहाँ से आपने ये इस तरह से इतना आपने इसको बढ़ाना है। अब यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर देना इस तरह से, ऐसे हम इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ से, और ये जो लाइन आपकी यहाँ तक आपके ऊपर आ जाएगी, और यहाँ से हमने इसको यहाँ मिलाना है। इसको हमने आधे तक मिलाना है, पूरा नहीं हम लेंगे, आधे तक लेंगे यहाँ से। इस तरह से हम इसको आधे तक ले लेंगे, ये आपकी यहाँ तक पूरी लाइन आ जाएगी। यहाँ से ये ऐसे क्रॉस हो जाएगी, इस तरह से क्रॉस हो जाएगी, और ये जो आपकी लाइन आएगी ये यहाँ से ऐसे फिर ऊपर आ जाएगी। यहाँ से पूरी लाइन ऐसे आ जाएगी, और ये इस तरह से आ जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपकी लास्ट लाइन है, ये आपकी यहाँ पर लास्ट लाइन आ रही है, तो ये जो आपका आएगा यहाँ से इतना आएगा आधे तक, यहाँ से इससे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, और यहाँ से ऐसे तिरछा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अब ऊपर की जो लाइन आपकी आनी है वो यहाँ बाहर को आ जाएगी, यहाँ से ऐसे बाहर को आ जाएगी, यहाँ तक आएगी, और जो ये लाइन आपकी वो आधे तक आएगी नीचे इस तरह से ये आपका हवा बन जाएगा। अब इसका मुंह बिल्कुल पैना भी बना सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए ये जो आपका राउंड आपने दिया था, ये आधे तक यहाँ तक दिया था, इस लाइन तक ये यहाँ तक लाओ, इसको इसके साथ ऐसे मिला दो, इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। ये जो आपका मुंह आ रहा है, निचला मुंह आपका आ रहा है, इसको आप, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ तक ऊपर उठाना, इसको यहीं तक रखो, और यहाँ से इसको ऐसे छकट दे दो, इस तरह भी आपका ये बहुत सुंदर दिखेगा। और अब हमने क्या करना है, अब ये आपका होगा पेट का टारा छोटा सा, और ह अब हमने बनाया है अक्षय शासे क्षत्रिय हमने बनाना है, और क्षत्रिय भी आपका इसी तरह से छः में बनेगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी लाइनें हैं। तो ये आपका 5 यहाँ से उतर आएगा, और ये आपकी आगे की लाइन ये पूरी नहीं होनी है, ये तो यहाँ से सिर्फ यहाँ पे मैंने जो लाइन लेनी है ये वाली लाइन, तो आपकी खैर पूरी आ जाएगी नीचे तक। ये आपका है यहाँ तक आएगी, ये आपका इस तरह आ जाएगा, और यहाँ से आपका ये सिर्फ इतना सा, ये आपको पूरी लाइन ऐसे डार्क हो जाएगी। यहाँ पे जो आपने है वो ऊपर को जो है आपने एक स्टेप लेना है यहाँ से इस तरह से। अभी पिछली जो आपकी लाइन है ये आपकी डार्क नहीं होनी है, यहाँ पीछे को इसकी मात्रा चली जाएगी। यहाँ से हमने इसको दो स्टेप उठाना है, ये भी हम यहाँ से इस तरह से दो स्टेप हम इसको उठाएंगे, और आपकी जो लास्ट वाली लाइन ऊपर है ये आपका 0 वाली जो लाइन ऊपर है, यहाँ से आपने ये जो है ये तिरछा, इसका ये जो आपका अंकुर है तिरछे वाला, यहाँ से इसको यहाँ मिलाना है, यहाँ हमने इसको क्रॉस दे देना है इस तरह से, और ये जो आपका क्रॉस आएगा ये पूरे खाने में आएगा, और यहाँ ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसका, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहीं पर आ जाएगा इसी तरह से जहाँ से हमने लिया था। ये जो आपकी लाइन आ रही है ये एक्चुअल में जो ये है आपका वो यहाँ इस कॉर्नर के साथ आना है, इसके साथ ये जो आपका ये वाला एक स्टेप छोड़ करके इस कॉर्नर से आपने इसको तिरछा यहाँ मिलाना, और यहाँ से फिर आपने इसको ऐसे राउंड शेप दे देनी। मैं आपको इसको अगर हल्का सा ऐसे ही करवा देता हूँ, तो यहाँ से जो आपने है यहाँ से आपने ये हल्का यहाँ लेना है इस तरह से। मैं आपको थोड़ा सा ये ऐसे ही देता हूँ, रोटेटी बना देता हूँ इस तरह से, बट यहाँ पर जो आपने करना है ये जो आपकी आएगी ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ये आधा ऊपर आधा थोड़ा नीचे करके यहाँ पे आपने इस तरह से। अब यही लाइन की जो शेप है यही शेप आपकी यहाँ आ जाएगी ऊपर, यहीं से ये इस तरह से घूम के यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपने राउंड देना है, यहाँ से इस तरह से इसके राउंड आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से इसके राउंड आगे को आने हैं, इतने डाउन तो नहीं आने के, आपका ये लास्ट लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ से इस लाइन तक आना है ये डाउन, ये जो आपका राउंड आएगा ये आपका यहाँ तक आना है, यहाँ तक ये आपका यहीं तक रहेगा। यहाँ से इसको ऐसे आपने यहाँ से बिंदी दे देनी, इसको अगर मैं आगे लेके जाऊँ तो ये इस तरह से बने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें राउंड आएगा, यहाँ से ऐसे राउंड आएगा, इसमें ये हल्का सा राउंड आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा। यहाँ से जो है ये जो आपका कॉर्नर आपका बन रहा है, यहाँ से आपने ऐसे, और ये आपका इस तरह से, अब ये जो आपकी लाइन है वो मिट जाएगी बीच से, क्योंकि तो इसका कोई काम नहीं है, ये हमारी ऐसी लाइन है। और ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पे जो हम यहाँ से जो हमने राउंड दिया था ये
ये वाला जो आपका राउंड है यहाँ पर बिल्कुल गोलाई में आएगा यहाँ पे, और मैं अब पक्की लाइनें लगा रहा हूँ, बाकी की जो फालतू हमारी लाइनें थी वो मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बीच में लाइनें लगाई थी। बनेगा आपका कैसा ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक ये लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका सशे क्षत्रिय ऐसे बनेगा। एक्चुअल में ये जो लाइन है इसी को आपने डॉटेड आगे कर देना इस तरह से, ये आ जाएगी यहीं से, आपने डॉटेड आगे कर दिया यहाँ डॉटेड रहेगी, यहाँ से ये इस तरह घूम के ये इधर को आ जाएगी, तो ये आपने डॉटेड ही इस तरह से लगाना है। डॉटेड पहले लगा देना, बाद में मिटाते हैं, जैसे मैंने ये मिटा दिया तो अब आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। इस तरह से आपने सशे क्षत्रिय बनाना है। अब आपका आ जाएगा आगे, ये इजी सबसे इजी सशे क्षत्रिय है, वैसे तो इसमें यहाँ बहुत पतली लाइन आ सकती है, इसको आप आगे लो, थोड़ा सा इसमें कर्व दे दो यहाँ पे आपने जैसे लगाया ये आपकी पूरी अगर गोलाई में आप ले जाएं ऊपर तो ऐसे भी आ सकती है। अभी सबसे ईजी है, आप इस तरह से थोड़ा सा बना लो, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से जो है ना आपको बता दूंगा बनाना फिर बाद में। अब आपका है तरह से त्रिशूल, त्रिशूल भी आपने इसी तरह से बनाना है जैसे और अक्षर हम बना रहे हैं, आप त्रिशूल को चाहो तो पांच में बना सकते हैं, चाहो तो छः में बना सकते हैं, तो हम पांच में बना लेते हैं, फिर ज्ञानी भी इसी में पीछे बन जाएगा हमारा ग्यारह ज्ञानी, तो हम इसको बना देते हैं यहाँ से, हम ले लेते हैं इसको जीरो एक दो तीन चार पाँच, तो हमारे सारे एक लाइन में बन जाएंगे यहाँ से, इसको मैं पाँच में बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहीं से जो आपका छः वाला था ना यहीं से मैंने ये ले ली है लाइन यहाँ से, तो हमारा अगला अक्षर इसी में बन जाएगा यहाँ से, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपकी ये जो मुंह आपके से ऊपर को यहाँ से बनने सिर्फ वो आपके थोड़े लंबे बन जाएंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें यहाँ से इस तरह से। ये मैंने आपको पहले भी बनाया था बताया था ये यहाँ से इस तरह से, ये जब मैंने आपको यहाँ बताया था जो आपका क ख ग ग यहाँ होता है वो जब मैंने बताया था तो वो भी थोड़ा सा इसी तरह से बनता है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से आपने तिरछा ले लेना, ये आपका पूरा खाना जो इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा, ये भी आपका ऊपर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक हमारी ये लाइन है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं यहाँ से, ये तिरछा मिला लो यहाँ से इस तरह से, आप तिरछा मिला सकते हैं। ये जो आपकी दूसरी जो लाइन आपकी ये आपकी लाइन है ये आप आधी ले जाओ और यहाँ से आधे तक ऐसे इसको आप मिला सकते हैं। अब इस लाइन को आपने इस पॉइंट में मिलाना है, ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं और अच्छा थोड़ा सा इसको और हम दे सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको आधे तक लेके आओ, ये थोड़ा मुंह इसका ऊपर का ऐसे खुल जाएगा। अब ये जो आपकी ये जो दूसरी आपकी लाइन आ रही वो हमने यहाँ से मिलानी है, ये यहाँ मिलानी है, इसको यहाँ तिरछा मिला दो इस तरह से, ये आपका तरह से त्रिशूल बन जाएगा। अब आपका यहाँ से ज्ञानी हम बना देते हैं, तो जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, ये आपकी छः। अब आप सारे अक्षर हमारे इसी में ये जनो एक ही लाइन में हमारे बन गए, नहीं तो मुझे नीचे ग्राफ में ये बनाना पड़ना था फिर, तो ये हमने पाँच में ही स्मैट दिया, इससे ही हमारा फायदा हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका क्या से ज्ञानी यहाँ से हमारा बन रहा है, तो आपका ये इस तरह से बनेगा। अब ये जो आपकी लाइन है ये हमने पूरी उठा देनी है यहाँ तक इस तरह से, इसको आप यहाँ तिरछा ले लो नीचे और एक स्टेप नीचे लेकर के एक स्टेप बीच में ये आपने खाली छोड़ देना है यहाँ से आपने ऐसे तिरछा राउंड यहाँ देना है, और ये जो आपकी आ रही है ये राउंड आपका यहाँ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ गया। यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे इसमें जो है वो इधर को राउंड आएगा, यहाँ से ऐसे को राउंड आएगा, एक्चुअल में राउंड यहाँ पे ऐसे आता है, सही में ऐसे आता है, और यहाँ से जो इसकी हो यहाँ पे मुंह इसका दूसरा जो बनता है वो यहाँ से इसके अंदर अब हम नहीं बना सकते क्योंकि ये इसका भी आधा है, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी चारों खानों का ये हमने आधा कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन लास्ट ये आ रही है, यहाँ से हमने यहाँ मिलाना है, ये जो आपका कॉर्नर इसके आधे से इसके कॉर्नर से हमने यहाँ मिलाना है इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका ये ग्यारह से ग्यारह बन जाएगा। यहाँ बीच में हमने जो लाइन है वो मिटा देनी है इस तरह से, ये आपका ऐसे ग्यारह से ज्ञानी जो है बन गया है। तो अब आपको मैं एक और फैक्ट इसका बता रहा हूँ कि हमने अ से शुरू किया था, आ मीन्स अनपढ़, अ से हम अनपढ़ लिखते हैं और ग्या से ज्ञानी, तो हिंदी की जो वर्णमाला हमारी है वो इतनी अच्छी है, हमारी मातृभाषा इतनी अच्छी है कि अनपढ़ से शुरू होता है और ज्ञानी बना के छोड़ते हैं,
आप कोई भी और किसी भी तरह की आप वर्णमाला ले लीजिए, कोई भी आपने लिपि लेनी है, आप ABCD बनाते हैं तो ए से एप्पल से लेकर के फल से लेकर के लास्ट में जेबरा बना के छोड़ देते हैं। और ये आपकी हिंदी की जो वर्णमाला है, ये अनपढ़ से उठता आदमी है और ज्ञानी पे ख़त्म हो जाता है। मीन्स आप अनपढ़ थे, अनपढ़ से आप शुरू हुए और ज्ञानी बना करके आपको छोड़ दिया, तो अब आप ज्ञानी बन चुके हैं। आपने मैंने कोशिश की है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी काम में और शायद हो भी नहीं पाऊँगा अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि परिपूर्ण भगवान है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्का हल्का सा जितना मेरे से हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान भगवान ने जो दिया है, मेरे गुरु ने हमें जो दिया हुआ ज्ञान है उसको हम थोड़ा सा बांट दे। तो ये मेरी ओर से आपके लिए अ से ज्ञा तक जो मैंने सीखा था थोड़ा सा, उसका भी मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको करवाया है, इसी तरह से आपने भी करना है। अब हमारे पूरे अक्षर कम्प्लीट हो गए। अब आपने पूरा पहले आपने एक पेज पर जो है ना स्वर लिखने, अ से ज्ञा तक आप सॉरी आ से अंगा तक आपने लिखना है। फिर क्योंकि पूरे 44 है तो नहीं आएंगे, क्योंकि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, व्यंजन को आपने अलग से पेज पे लिखना है इसी तरह से ग्राफिंग से, और फिर उसमें अच्छे से कलर करना है। और ये जो आप शीटें अगर बना रहे हैं ग्राफ पेपर वाली, इनको संभाल के रखना है। कई बार इसके बहुत सारे कुछ ऐसे अक्षर है जो आदमी भूल जाता है, हमें भी दिक्कत आती है बनाने में, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो ग्राफिंग वाला अलग से ही पेज रखिए ताकि आप देख सके कौन सा लाइन हमने कहाँ से लगाई थी। और जो आपका फेयर आपने कलर वाला करना है उसके लिए दोबारा से कागज़ लीजिए, उस पर आप कलर करके अच्छे से बनाइए। और हो सके तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और फ़ोन नंबर भी दे रखा है, तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर हमने ये बनाया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि शायद मेरे प्रयास का कुछ फ़ायदा बच्चे उठा रहे हैं। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है, बहुत हल्का सा प्रयास है। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।